नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। मित्रों, पिछली क्लास में हमने आपसे राजकोषीय गुणक के बारे में बात की थी। तो राजकोषीय गुणक का फार्मूला हमने आपको बताया था 1/(1-MPC)। तो इसकी सहायता से हम लोग राजकोषीय गुणक अर्थात ∆yy∆g ये ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक चर्चा कर ली थी, फिर कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मैं अपनी क्लासेस अपलोड नहीं कर पाया। सबसे बड़ी समस्या तो लाइट की थी, जिसकी वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसके लिए खेद है। तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं। क्या क्या समस्याएं होती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, उनके बारे में हमको जान लेना है। इसमें जो पहली समस्या है उसको हम लोग कहते हैं नंबर 1 स्लो डाउन। इसको आप ऐसे ही लिखिएगा या देवनागरी लिपि में आप ऐसे लिख सकते हैं स्लो डाउन को। हिंदी रूपांतरण इसका अगर आप करेंगे तो वो धीमापन होता है। UPSC जो इसका अनुवाद करती है, अब UPSC के हिंदी अनुवाद में भी कई बार प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं, जैसे अजीब टाइप के उसके हिंदी अनुवाद होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट का वो हिंदी अनुवाद करेगी तो संकल्पना के बजाय एक बार उसने संप्रत्ययीकरण कर दिया। अब सर्जिकल स्ट्राइक जब हमने की पाकिस्तान में दोनों बार, तो अब उसका हिंदी में जो रूपांतरण आया वो आया शल्यक प्रहार। अब इस तरीके के भारी भरकम शब्दों से भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थावर को पृथ्वी काल, इस तरीके के जब हिंदी रूपांतरण कर दिए जाते हैं तब समस्या आ जाती है। इसलिए आपको जो है थोड़ा सा अंग्रेजी वाले पक्ष को, अंग्रेजी के जो टर्म हैं उनको वैसे ही आप याद रखिए। हालांकि विवाद तो इस पर भी हो सकता है। अब अगर कोई हिंदी भाषी का बच्चा है तो हिंदी में वो समझे पहले, अब अगर उसको हिंदी में ना समझ में आए तो वो जाके जो है अंग्रेजी उसका देखे कि अंग्रेजी वर्जन क्या है, तो उसमें उसका थोड़ा सा टाइम लॉस होता है फिलहाल। लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि कुछ जो बेसिक शब्द हम आपको बताएंगे, या कोई भी सीनियर टीचर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से जो अगर वो हिंदी में बता रहा है तो उसको आप हिंदी में एज इट इज रखिए, और नहीं तो इंग्लिश में अगर कोई बता रहा है तो उसको आप इंग्लिश में मान के चलिए, ताकि आपके प्रश्न गलत होने से बच जाएं। फिलहाल स्लो डाउन, अब स्लो डाउन क्या है इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये शल्यक प्रहार, सर्जिकल स्ट्राइक, इसको रेज कर देता हूँ। स्लो डाउन किसको कहते हैं? स्लो डाउन यह किसी अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करती है। तो स्लो डाउन है वह, लिख लीजिएगा आप लोग, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करती है जिसमें GDP की वृद्धि दर में गिरावट आती है। GDP की वृद्धि दर में, ग्रोथ रेट में क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। तो उसको हम लोग कहते हैं स्लो डाउन, ठीक है। किंतु अर्थव्यवस्था जो होती है, ध्यान दीजिएगा कि GDP की ग्रोथ रेट में गिरावट आएगी, लेकिन GDP जो है वो निम्न गति से बढ़ती है। GDP बढ़ती है लेकिन GDP की जो ग्रोथ रेट होती है, सिंपल शब्दों में आप यही कह सकते हैं कि GDP बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट क्या होने लगती है? कम होने लगती है। इसको आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ समय ले लेते हैं, मान लो एक वित्तीय वर्ष हमने ले लिया 2019-20, इसको मैं T1 मान लेता हूँ, और फिर हमने ले लिया 20-21, मान लो ये T2 हो गया आपका, और फिर 21-22 ले लेते हैं, ये मेरा T3 हो गया। अब यहाँ 2019-20 में मान लीजिए कि GDP जो है वो आपकी 100 रुपये है, 100 रुपये की GDP है। अब 20-21 में ये बढ़ के 110 रुपये हो जाती है, और फिर मान लीजिए कि 21-22 में बढ़ के ये 115 रुपये हो जाती है। तो आप देख रहे हैं ना, GDP आपका बढ़ गया। लेकिन अब अगर यही ग्रोथ रेट पर बात की जाए तो ग्रोथ रेट, अब यहाँ पे तो डैश लगा दिया जाएगा, क्योंकि मापेंगे किस पर? 2019-20 के पहले हमने कोई आंकड़ा तो लिया नहीं, तो यहाँ पे डैश लगा दें। अब 20-21 में आप देखिए ध्यान से, तो GDP की जो ग्रोथ रेट है वो कितना हो गई? 10% हो गई। अब यहाँ पे अगर 21-22 में आएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपकी 5% GDP बढ़ी है। हालांकि 5 से थोड़ा कम ही है, आप जान रहे हैं ना, परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है थोड़ा सा, वैसे जब हमने पिछली वाली क्लास में देखा था। अरे भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई? 5, और कितने पे देख रहे हैं? 110 पे, अब इनटू 100। तो अब अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 से थोड़ा कम आएगी, इसलिए मैंने लगभग बराबर का चिन्ह लगा दिया, साइन लगा दिया है। तो ये जो पूरा का पूरा केस है वो कौन सा केस है? ये स्लो डाउन का केस है।
ए केस ऑफ स्लो डाउन। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार परिभाषा फिर से सुन लीजिए। परिभाषा पे हमने आपको बताया कि जीडीपी बढ़ता है लेकिन ग्रोथ रेट कम होने लगता है। जीडीपी बढ़ेगा उसमें कोई दो राय नहीं है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको बात समझा दी। अगर इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो क्या है, स्लो डाउन की समस्या है। अब स्लो डाउन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ तो जो स्लो डाउन का एक प्रमुख कारण माना जाता है वो है नोटबंदी, विमुद्रीकरण जिसको कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। अब विमुद्रीकरण करने के तत्पश्चात हम लोगों ने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया, उसकी वजह से भी समस्या आ गई। और रोजगार में कमी हो जाना, मांग में कमी हो जाना, फिर एनपीए और एनबीएफसी की जो समस्याएं ये हुआ करती थी हमारे पास, एनपीए की समस्या तो अभी भी जो है बनी ही हुई है। वैश्विक कारक, वैश्विक कारक में जैसे आप अभी देख रहे हैं कि रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, उधर अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं और वेनेजुएला से भी हम लोग तेल नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सब प्रमुख कारण हो जाते हैं स्लो डाउन के। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के मूल्यों में जो गिरावट हुई है, ऐतिहासिक रूप से गिरावट हुई है, तो ये सारे कारण क्या है, वो स्लो डाउन के कारण। हम लोग जो है 2017-18 से ही स्लो डाउन में चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है स्लो डाउन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगली समस्या हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, अब इसका भी हिंदी रूपांतरण आप संकुचन कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बता रहा हूं कि समस्या हो जाएगी आपको, इसलिए इसको आप कॉन्ट्रैक्शन ही याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है जब किसी वर्ष की किसी तिमाही, तिमाही का मतलब क्वार्टर, वो वाला क्वार्टर नहीं समझना है आपको, क्वार्टर में जीडीपी, अब चार क्वार्टर होंगे एक साल में, ठीक है ना, जीडीपी की ग्रोथ रेट पहली बार नकारात्मक हो जाए, पहली बार क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए या नकारात्मक हो जाए, तो इसे क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो इसे कॉन्ट्रैक्शन, ये परिभाषा हो गई। अब जिन शब्दों को मैं छोड़ दे रहा हूं उसको आप लिख लीजिए, हैं लगा सकते हैं, जब लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जीडीपी आपकी कम होने लगती है, जीडीपी क्या होगी, कम होने लगेगी और ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। सिंपल बात क्लियर हो गई। अब कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए हम लोग क्वार्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब अभी तो रिसेंटली कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आप याद कीजिए 2020-21 का जो फर्स्ट क्वार्टर था हमारा, फर्स्ट क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट क्या हो गई थी, -24.4% हो गई थी। अब ये देखा कैसे जाता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि ये तो अपना हो गया 2020-21, इसमें कितने क्वार्टर होंगे, चार क्वार्टर होंगे, Q1, Q2, Q3, Q4, और इसके जस्ट पीछे वाला फाइनेंशियल ईयर क्या रहा होगा आपका, 19-20 रहा होगा। तो 19-20 में भी आपके चार क्वार्टर, Q1, Q2, Q3, Q4। अब अगर मान लीजिए कि 2019-20 के क्वार्टर फर्स्ट में आपने 100 रुपए का उत्पादन किया, अब अगर आपकी जीडीपी 24.4% माइनस में चली गई, तो इसका मतलब यहाँ पे 2020-21 में आपने कितने का उत्पादन किया होगा, इसमें से भाई 24.4 अगर आप घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आइए माइनस करके देख लेते हैं। कितना आपको माइनस करना है, 24.4%, तो 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पे कितना बच गया आपका, यहाँ पे आपका बच जाना है 9 में से 4 गया 5, 75.6 ना, लगभग, हाँ ठीक है, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 7 2 9 10। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके क्वार्टर फर्स्ट में, इसका क्वार्टर फर्स्ट और इसका क्वार्टर फर्स्ट, यहाँ पे आपका उत्पादन हुआ है 75.6 रुपए का। बात क्लियर हो गई आपको। इसी तरीके से अगर अगले क्वार्टर 19-20 का अगला क्वार्टर देखें, 2020-21 का भी हम दूसरा क्वार्टर देखेंगे। बात क्लियर हो रही है आपको। इस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्शन को देखते हैं, यानी पिछले वित्तीय वर्ष के क्वार्टर फर्स्ट को देखा जाए और जो चल रहा है, मतलब चल तो अभी दूसरा चल रहा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति है नहीं, क्योंकि हम थोड़ा सा उभर के आ गए हैं। बात क्लियर हो गई आपको। अब
अगली समस्या हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिसेशन, मंदी। रिसेशन इसको मंदी कहा जाता है। अब रिसेशन की क्या परिभाषा है? इसकी परिभाषा है जब कम से कम लगातार दो तिमाहियों के लिए जीडीपी की ग्रोथ रेट नकारात्मक रहती है, तो इस स्थिति को रिसेशन कहते हैं। इस स्थिति को रिसेशन कहते हैं, ये इसकी डिफिनेशन है भाई। अब जैसे रिसेशन का अभी वर्तमान में कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब फिर से वही पुराना एग्जाम्पल, मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। जैसे 2020-21 का जो क्वार्टर फर्स्ट था, उसमें आपकी ग्रोथ रेट -24.4% थी, और क्वार्टर सेकेंड में यानी दूसरे क्वार्टर में -7.4%। तो दोनों में ग्रोथ रेट क्या है? नकारात्मक है। तो इसका मतलब 2020-21 में हम लोग मंदी के दौर में थे। बात क्लियर हो गई आपको? मुझे उम्मीद है रिसेशन की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अभी वर्तमान में हम लोग मंदी से बाहर आ गए हैं, और जब वर्तमान में मंदी से हम लोग उबर गए, तो आपने अगर अखबारों की भाषा देखी हो तो उन्होंने कहा कि भारत तकनीकी रूप से मंदी से बाहर आ चुका है। मतलब ये भी एक समझ लीजिए व्यंग या कटाक्ष की भाषा है। मतलब तकनीकी रूप में तो आप बाहर आ गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ घालमेल अभी भी चल रहा है। बात क्लियर हो गई? तो ये तीसरी समस्या है हमारी। चौथी जो प्रमुख समस्या है, सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। मुझे उम्मीद है डिप्रेशन शब्द से आप लोग परिचित होंगे। आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं, तमाम सेलिब्रिटी डिप्रेशन की अवस्था से गुजरते हैं, और ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। इसमें मनुष्य सुसाइडल अटैक कर सकता है अपने आप पे, या कई बार कर ही लेता है, या कई बार करने का प्रयास करता है। तो बहुत भयानक स्थिति होती है। तो हम लोग फिलहाल डिप्रेशन यानी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में तो एक बड़ी समस्या है ही। आइए ध्यान देते हैं, डिप्रेशन वास्तव में होता क्या है? कि रिसेशन और डिफ्लेशन का योग होता है। ये रिसेशन के बारे में आप जान लिए, डिफ्लेशन का मतलब होता है वस्तुओं की कीमतों का कम हो जाना। इन्फ्लेशन का उल्टा है, वस्तुओं की कीमतों का वो बढ़ जाना क्या कहलाता था? इन्फ्लेशन कहलाता था। और डिफ्लेशन वस्तुओं की कीमतों का कम हो जाना, कीमतों का कम हो जाना। यह स्थिति काफी गंभीर मानी जाती है। गंभीर क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें जो बेरोजगारी है वो तेज गति से फैलने लगती है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगती है। अब इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण ये होता है कि वेतन और मजदूरी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के अनुसार कम नहीं हो पाते हैं, गिरावट के अनुसार कम नहीं हो पाते हैं, कम नहीं हो पाते हैं, यानी चिपक जाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि अगर वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी तो आप जो मजदूर वर्ग है हमारा, वो क्या अपना वेतन कम करना चाहेगा? अब अगर बहुत भयंकर स्थिति हो तो भले थोड़ा सा वो कंप्रोमाइज कर ले, अदरवाइज वो कंप्रोमाइज नहीं करने वाला। जबकि अगर वस्तुओं की कीमतें लगातार गिर रही तो कंपनी को घाटा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो मजदूरों की छटनी करना स्टार्ट कर देगा। अब जब छटनी करना स्टार्ट कर देगा तो फिर उससे क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगी भाई, पैसा कहां से देगा? उसको घाटा लगने लगेगा ना। आप बात समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं आपको? तो अच्छा, एक स्थिति के अनुसार आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि कम भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लेबर लॉज है, तो एक न्यूनतम मूल्य उनको तो देना ही देना है, लेकिन अब न्यूनतम मूल्य से भी अगर कंपनी को घाटा लग रहा है तो कहां से दे पाएगा? और ऊपर से आप कम नहीं कर सकते हैं, सरकार बीच में आ जाएगी, डंडा पड़ जाएगा आपको,
बात क्लियर हुई। तो अर्थव्यवस्था को जो पढ़ने का तरीका है वो हमारा तार्किक होना चाहिए और वैधानिक तरीका होना चाहिए। बात क्लियर हुई। अब जैसे यहाँ पे सरकार ने लॉस बना दिए हैं तो आप उसको वायलेट नहीं कर सकते हैं, आपसे उम्मीद भी नहीं की जाती है कि आप अर्थव्यवस्था अगर पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज से आप जुड़े हुए हैं अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था में, तो आप उसका पालन ना करें। तो मैंने कहा कि आपसे अर्थव्यवस्था पढ़ने के लिए या अर्थव्यवस्था में जुड़े रहने के लिए, काम करने के लिए किसी भी सेक्टर में आपका तार्किक होना जरूरी है। अब जैसे अब अगर आप तार्किक नहीं है और वैधानिक तरीके से नहीं फॉलो कर रहे हैं कोई भी काम, तो फिर सारा का सारा जो थ्योरी दिया गया है वो आपका धराशायी हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि किन सर ने कहा कि इनकम बढ़ने से क्या होता है, आदमी का उपभोग बढ़ता है। अब आप किसी कंजूस आदमी को पकड़ लेंगे या पकड़ लाएंगे तो फिर उनका तो सारा का सारा जो थ्योरी है वो सारा का धरा ही रह गया है कि नहीं भाई। जो निहायती कंजूस होगा, मक्खी चूस टाइप का आदमी होगा, तो उसकी इनकम बढ़ती जाएगी लेकिन अब वो कुछ खर्चा ही नहीं करना है उसको, तो फिर ये सारा सिस्टम जो है आपका फेल कर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। तो मैंने आपसे कहा कि ये स्थिति काफी गंभीर होती है। इसका मुख्य कारण ये है कि वेतन और मजदूरी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के अनुसार कम नहीं हो पाते हैं, चाहकर भी आप कम नहीं कर सकते हैं। जबकि इसके पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो मानते थे कि वो कम हो जाएगा, लेकिन अब कहाँ कम होता है। व्यवहारिक रूप में बहुत बड़ी गंभीर समस्या आ जाए, जैसे कोरोना के दौर में हो सकता है कि कुछ मजदूरों ने या कुछ व्यक्तियों ने कंप्रोमाइज किया हो। पहले कहीं पे 10,000 पे काम कर रहे थे, अब जब कंपनी को घाटा लगने लगा तो उसने कहा कि भाई हम सैलरी आपकी आधी कर देंगे, हम 5,000 देंगे। तो अब अगर वो काम नहीं करते, स्किल्ड है नहीं कोई और दूसरा काम उनके पास ना है, तो फिर जो है भले मान जाए, अदरवाइज कौन मानने को तैयार होगा। आपका घाटा लग रहा है तो उससे क्या होगा, मेरी तो मेहनत उतनी ही लग रही है, मजदूर वर्ग ये सोचेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिप्रेशन की स्थिति को क्यों ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कीन्स सर से एक बार पूछा गया कि आप रिसेशन या डिप्रेशन इनमें ज्यादा जो है किसको खतरनाक मानेंगे, और साथ ही साथ ऐसे भी समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन को आप ज्यादा खतरनाक मानेंगे या फिर डिफ्लेशन को। तो उन्होंने कहा कि दोनों तो ऐसे खराब हैं, लेकिन मैं जो है रिसेशन, अगर मुझे एक कोई चुनना हो तो मैं इन्फ्लेशन को चुनूंगा, मैं डिफ्लेशन को नहीं चुनूंगा। क्यों? क्योंकि उनका ही दृष्टिकोण था। ये सारी बातें जैसे मैंने अभी बताया ना कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो मानते थे कि ये भैया अगर वस्तुओं की कीमत कमी होगी तो मजदूरी भी कम हो जाएगी, लेकिन अब ऐसे होता नहीं है। दुनिया भर के नियम हैं और फिर संगठन भी होते हैं, जैसे रेलवे वगैरह में संगठन होते हैं, है ना, तो वो सब आवाज मजदूरों की या फिर अपने सरकारी कर्मचारियों की बहुत तेजी से उठाते हैं और काफी ज्यादा मतलब कई बार वायलेंट हो जाते हैं वो लोग, तो ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। फिलहाल उन्होंने कहा कि मैं इन्फ्लेशन के साथ जाना पसंद करूंगा। इन्फ्लेशन जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि एक अर्थव्यवस्था में मॉडरेट इन्फ्लेशन होना ही चाहिए। अगर वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं, जाहिर सी बात है बढ़ेंगी, अब अचानक से हाई स्पाइक ना आ जाए एकदम, तो फिर समस्या है। अगर धीरे धीरे करके बढ़ रही है, रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए या जितनी भी उस वस्तु की कीमत है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूं, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। इसको आप शराब की घूंट जैसा आप समझ सकते हैं, रम जैसा। जैसे अगर थोड़ी थोड़ी शराब अगर आप पियेंगे तो ये माना जाता है कि वो अच्छा काम करेगी। अब अगर आप अचानक से खूब सारी शराब पीने लगे कि नहीं भैया शराब सर ने बताया है कि वो शराब पीना फायदेमंद होता है, तो अब लीवर उवर आपका जो है वो डैमेज हो जाएगा, फिर आप किसी दिन के नहीं रह जाएंगे। खैर, तो ये चार इस समस्याएं हमारी अर्थव्यवस्था में मतलब मौजूद होती हैं। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाते हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सरकार द्वारा जो प्रयास किया जाता है, आप लोग एक नई फ्रेश हेडिंग लगा लीजिएगा जिसको कहते हैं स्टीमुलस। अब इसको भी ऐसे ही रहने दीजिएगा, वैसे हिंदी में प्रोत्साहन आप कह सकते हैं, कई सारे हिंदी रूपांतरण होंगे, उकसाना एक हो सकता है, लेकिन अब उकसाना यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, आप प्रोत्साहन से काम चला सकते हैं। अब स्टीमुलस क्या है, तो जितनी समस्याएं हैं, जैसे आपका स्लो डाउन हो गया, रिसेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, इन सभी समस्याओं से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए सरकार द्वारा मौद्रिक और राजकोषीय मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी,
मौद्रिक और राजकोषीय नीति का एक मिश्रित पैकेज, नीति का एक मिश्रित पैकेज निकाला जाता है, मिक्स्ड मिश्रित पैकेज निकाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। बात क्लियर हुई आपको? अब इन दोनों नीतियों के तहत क्या क्या काम किया जाता है, जैसे मान लीजिए पहले मैं मौद्रिक नीति के बारे में चर्चा करता हूं। तो मौद्रिक नीति के तहत जो सेंट्रल बैंक होता है, ये समझ लो मैं आपको स्टिमुलस की संरचना बता रहा हूँ, स्टिमुलस है ध्यान रखिएगा, एक बेल आउट होता है, अभी उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत क्या काम किया जाता है, अर्थात मौद्रिक नीति के तहत, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति के तहत जो सेंट्रल बैंक अर्थात आरबीआई होता है, वो ब्याज दरों में क्या काम करता है, कमी करता है, ब्याज दरों में कमी होती है। अब ब्याज दरों में कमी जब हो जाएगी तो लोन बांटने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। बात क्लियर हुई? अब जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो बैंक लोन जो है कम रेट पे दे पाएंगे, तो लोगों के पास क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा अर्थात बाजार में क्या बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी। तरलता बढ़ाने के लिए क्या करता है कि केंद्रीय बैंक जो होता है वो बांड खरीद लेता है। बात क्लियर हुई आपसे? आपको बात क्लियर हो गई ना? मौद्रिक नीति के तहत केंद्रीय बैंक क्या काम करता है, ब्याज दरों में कमी करता है, जिससे बाजार में क्या आ जाती है, तरलता आ जाती है, तरलता बढ़ जाती है, लोग लोन लेने के लिए भागते हैं। एक बात तो हो गई, अभी पूरी चर्चा की जाएगी। और ये जो फिस्कल पॉलिसी है हमारी अर्थात राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, इसके तहत क्या काम किया जाता है कि सरकार जो है वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, और करों में, करों में खासतौर से जो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स, उनमें क्या काम करती है, कटौती करती है। बात क्लियर हुई? और निवेश तथा सब्सिडी प्रोवाइड करवा देती है, निवेश सब्सिडी। अब ध्यान सुनिएगा आप लोग, अब समस्या ये आएगी, आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर मौद्रिक नीति अच्छी है या फिर राजकोषीय नीति अच्छी है, मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी है या फिर फिस्कल पॉलिसी अच्छी है। तो दोनों का उद्देश्य क्या है, बेसिकली स्टिमुलस का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्यमों की स्थिति को सुधारना और मांग की बढ़ोतरी करना होता है। मैंने आपसे कहा, एक प्रश्न पूछा कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी है या फिस्कल पॉलिसी अच्छी है। इसको हम लोग थोड़ा सा ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू होता है आपका सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और इसको हम लोग कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, एनएक्स। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए हमने आपको पीछे बताया कि ब्याज दरों में कमी की जाती है, ब्याज दरों में कौन कमी करता है और किस नीति के तहत कमी करता है, तो आपको दोनों आंसर पता होंगे। ब्याज दरों में कमी आरबीआई अर्थात सेंट्रल बैंक द्वारा कमी की जाती है। अब अगर ब्याज दरों में कमी अगर कर रहे हैं आप, तो ब्याज दर में अगर आपने कमी कर दिया तो उसका इम्पैक्ट किस पर हुआ, आई पर हुआ, इन्वेस्टमेंट पर। भाई अगर ब्याज दरों में कमी आ गई तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, निवेश बढ़ जाएगा। अब जब निवेश बढ़ गया तो ये सारा तो इसमें प्लस प्लस ही है। देखो ध्यान से इस फार्मूले को अगर मैं ऐसे लिख दूं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, अब अगर ये बढ़ गया, ये बढ़ जाएगा अर्थात इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा आपका, तो उससे क्या होगा, समग्र मांग में भी क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। अब समग्र मांग में अगर बढ़ोतरी हो गई तो परिणाम स्वरूप जीडीपी भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक बात क्लियर हो गई? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति से हम लोग मंदी को दूर किया जा सकता है या दूर किया जाता है। ठीक, जब ब्याज दर सस्ती होती है तो लोग ज्यादा मात्रा में धन लेने को दौड़ते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे समस्या क्या है, यदि केवल ब्याज दरें सस्ती हो जाएं, ब्याज दरें सस्ती कर दी जाए और तरलता ना बढ़ाई जाए, मतलब आप कह दो कि भैया हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कम है लेकिन आप पैसे ही ना दे पाओ, लिक्विडिटी ही ना बढ़ जाए, लिक्विडिटी ना बढ़ने पाए, तब भी कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा नहीं। अब जब पैसा होगा नहीं तो वो लोग निवेश कर पाएंगे नहीं। भाई अगर तरलता ही नहीं बढ़ेगी तो पैसा कैसे मिलेगा? अब अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर निवेश कैसे बढ़ेगा? ये तो मैं आपको इतनी देर समझा रहा हूं। इसलिए ब्याज दर कम करने के साथ साथ हमको किस पर भी ध्यान देना चाहिए, तरलता को भी बढ़ाना चाहिए। अब तरलता बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक क्या काम करेगा, वाणिज्यिक बैंकों से हमने आपको बताया बॉन्ड खरीद लेता है, और बॉन्ड खरीद कर उनको पैसे दे देता है जिससे कि वे लोन बांटे तथा लोग निवेश करें। इतनी बात क्लियर हो गई? कई बार क्या होता है कि निवेशक जो होता है, इन्वेस्टर, वो कम ब्याज दरों से प्रभावित नहीं होता है। क्यों प्रभावित नहीं होता है?
क्योंकि उसको पैसे डूबने का डर लगता है कि भाई मंदी चल रही है, अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो हो सकता है मेरा पैसा डूब जाए। इसीलिए मंदी के दौरान जो मौद्रिक नीति है वो प्रभावी नहीं हो पाती है, ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाती है, इसलिए हमको फिस्कल पॉलिसी की तरफ शिफ्ट करना होता है, फिस्कल पॉलिसी की तरफ शिफ्ट करना होता है। अर्थात मंदी के समय सरकार का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। कैसे? जैसे हमने आपको बताया कि सरकार क्या काम करेगी कि अपना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, नए पेज पे आते हैं, AD इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। अब अगर जी बढ़ जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो अब यहाँ पे ये भी बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जा रहा है, ये भी आपका कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। जब सरकार खर्च करेगी तो लोगों के पास इनकम आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़िया वर्ल्ड क्लास के अगर मान लो बनवाने लगी सरकार, तो लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, उनके पास पैसे आएंगे, वो लोग उसको खर्च करेंगे, तो अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो आप जीडीपी बढ़ जाएगी। इसीलिए ये जो सरकार वाला नियम है, यानी सरकार का जो हस्तक्षेप है, वो अर्थव्यवस्था में बना ही होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आपको बता दिया कि मौद्रिक नीति वो कम प्रभावी होती है, जबकि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ज्यादा प्रभावी होती है। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा कि ये स्टिमुलस है, स्टिमुलस बेल आउट पैकेज से अलग होता है। कैसे अलग होता है? स्टिमुलस जब सरकार जो है जारी करती है तो वो संपूर्ण व्यवस्था के लिए एक समान रूप से लागू किया जाता है। बात क्लियर हुई आपको? यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए स्टिमुलस वो लागू होता है, जबकि अगर सरकार बेल आउट पैकेज जारी कर रही है तो बेल आउट पैकेज जो होता है वो क्षेत्र विशेष के लिए ही होता है। जैसे अब जितने भी सेक्टर हैं, मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसको बूस्ट करने के लिए सरकार क्या करेगी, बेल आउट पैकेज जारी करेगी। सही से लिख देता हूं इसके लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बेल BALOUT बेल आउट पैकेज। तो बेल आउट पैकेज क्या होता है, क्षेत्र विशेष के लिए होता है। बात क्लियर हुई? इज दैट क्लियर? तो स्टिमुलस जो है वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होता है, अपितु जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे उसका लाभ उठा लेते हैं। जबकि बेल आउट पैकेज संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए ना होकर कुछ कंपनियों का कुछ क्षेत्रों के लिए होता है। IMF भी किसी कंट्री को जो है वो बेल आउट पैकेज जारी कर देता है अगर वहां के हालात सही नहीं है। जैसे आपने अभी सुना होगा कि कुछ दिन पहले IMF ने पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज वो मांगने गया था, तो पाकिस्तान तो उसको दिया नहीं, उसने भगा दिया। तो यहाँ तक आपको सारी बातें मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग अपनी क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं, हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई सब्सक्राइब करने वाले लोग बहुत कम हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमको ये होता है कि चलिए ठीक है, लाइक आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारी ऑडियंस है वो सिंसियर है। तो ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।